बालाजी का मंदिर तक। मैं तो आपके साथ आप सबसे मेरा बस एक निवेदन है, चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6,000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जैसा कि आपको पता है कि ये जो अभी शनिवार की रात्रि कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलके 50-60 लोगों ने मिलके कुछ जेसीबी लाके कोई जो दुकान कर रहे थे सामाजिक प्राणी उनकी दुकानें तोड़ के सामान को अस्त-व्यस्त कर दिया, मारपीट की। उसके संबंध में संडे को या थाने में FIR भी दर्ज करा दी गई, लेकिन पता चला कि वो स्थिति इसलिए पैदा हुई कि यहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने उस विवाद की स्थिति कोर्ट में विचाराधीन होते हुए भी उसको भू रूपांतरण कर दिया गया। तो अब हमें SDM साहब को आज ज्ञापन देना है कि उन संबंधित कर्मचारी अधिकारी, चाहे उसमें पटवारी हो, गिरदावर हो, तहसीलदार हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो इस तरीके की हरकत करता हो या सामाजिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश करता हो उसको तुरंत निलंबन किया जाए। तो SDM साहब ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया कि 24 घंटे में मैं जांच करके सस्पेंड कर दूंगी या सस्पेंड के लिए अनुसंधान कर दूंगी। सदर थाना पुलिस से कोई मांग की नहीं, उन्होंने वो कार्रवाई यथावत है, वो कह रहे हैं कि भाई फाइल में हम जो भी कंप्लीट करके आज शाम तक आ रहे थे। ठीक है, क्या नाम आपका? और डॉक्टर सिद्धांत सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष रावत महासभा। पचमता गाँव में जिस प्रकार असामाजिक तत्वों ने निर्मित दुकानों को रात को 2 बजे जेसीबी मशीन चला के 50-60 व्यक्तियों ने हमला करके वहाँ लूट की, उन दुकानों को ध्वस्त किया, उसके पीछे बने करीब 15 से 20 फीट दूरी पे बालाजी मंदिर को तोड़ के ध्वस्त किया, हम उनकी निंदा करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई हो, बालाजी का मंदिर वहाँ स्थापित हो और जो ये भूमि जो विवादित जो विवाद चल रहा था कोर्ट में उसको स्टे होने के बावजूद भी, कानूनी प्रक्रिया में होने के बावजूद भी उन्होंने भू रूपांतरण किया, उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जल्द कार्रवाई हो, इसकी मांग आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हमने मांग की है। उन्होंने हमें समय दिया कि जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। शक्ति सिंह रावत, सरपंच ग्राम पंचायत के जरूर।